नमस्कार आपका पंजाब एनआरआई टीवी चैनल देख रहे दर्शकों का मैं सोनिया स्वागत करती हूं। आओ नजर मारते हैं आज की मुख्य खबरों पे। भारत को कोविड के टाकरे लिए फौरी सहायता भेज रहे हैं बाइडन। डॉक्टर फौजी ने कहा भारत की कोरोना नाल तबाही ने दसिया कि दुनिया हुण भी एकजुट नहीं। अमरीका ने दी बड़ी राहत, ऑनलाइन क्लासा ले रहे स्टूडेंट्स को मिलेगी एंट्री। अमरीकी नेवी ने ईरान में चेतावनी देते हुए चलाई गोलियां। बाइडेन ने अमरीकी लोगों को एंटी कोविड 19 टीका लगवाने की की अपील। मजबूत प्रबंध के हवाले नाल भारत ने ठुकराई सी यूएन की पेशकश। चीन ने ताइवान मुद्दे से ऑस्ट्रेलिया को मुड़ दी धमकी, कैनबरा ने कहा बीमार। बड़ी खबर, इमरान खान के दौरे तो पहला हुआ बंब विस्फोट, एक पुलिस अधिकारी की हुई मौत, तीन हुए जख्मी। ब्रिटेन भारत की कर रहा जी जान नाल मदद भेज रहा होर 400 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑस्ट्रेलिया कोविड टीका लगवाने तो बाद दो होर व्यक्तियों की हुई मौत। राजस्थान के सेहत मंत्री बोले वैक्सीन नहीं बची है, टीकाकरण लिए चाहिए हैं 7 करोड़ डोज। 1 मई तो लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन, आज रात रूस तो आएंगे 2 जहाज। पश्चिमी बंगाल चुनाव का आज अंतिम गेड़। डीआरडीओ वालों ऑक्सीजन के 500 प्लांट स्थापित किए जाएंगे। बेंगलुरु कोविड 19 तो पीड़ित 3000 लोग हुए लापता, कई ने मोबाइल किए बंद। बाहरी सूबे के कोरोना मरीजों का पंजाब आना जारी, ओवरफ्लो होने लगे हस्पताल। पंजाब फिलहाल 18 साल तो वध उम्र के लोगों को नहीं लगेगी कोरोना वैक्सीन। मंत्रिमंडल की बैठक च नहीं पहुंची मंत्री सुखजिंदर रंधावा। कैप्टन ने सिद्धू से फिर किया बड़ा हमला, कहा मेरे वालों सिद्धू ने सारे मुद्दे बंद। सोनिया मान ने चुके पीएम मोदी के बंगाल कैंपेन के सवाल, बोले तिखे बोल। ये सन साड़ियां अज दियां खबरां, इस दे नाल ही नवीं ते ताजी खबरां लैके जल्द हाजिर होवांगे। तद तक लई मैनूं दो इजाजत, धन्नवाद। देश दुनिया की हर खबर ते नज़र रखन दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते तेसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।